देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। प्रतापगढ़ में शिव बहादुर हत्याकांड में ग्रामीणों समेत परिजनों ने किया पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ का घेराव। प्रतापगढ़ मृतक शिव बहादुर सिंह के परिजनों समेत ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का किया घेराव। मृतक शिव बहादुर निवासी कठार थाना पट्टी की हत्या कर गजेड़ा जंगल था। नामाधाता में शव को फेंक दिया था। परिजनों ने नामजद FIR दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को पकड़कर थाने से छोड़ दिया, जिस कारण ग्रामीणों के साथ परिजनों ने पुलिस कार्यालय प्रतापगढ़ आकर पुलिस अधीक्षक का घेराव किया और इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ एहसानंद ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। समस्या मेरे भाई शिव बहादुर की हत्या जो की गई है, जो कि गुजरात शहर में वापी में हम लोग के साथ में रहता था, जो 14 दिसंबर को वापी से इलाहाबाद तक आया, जो कि काजल नाम की लड़की से उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक लड़की गोलापुर चौपाई की रहने वाली, उसका थाना कन्हई थाना है। दुर्घटना ये हुई कि उसके बार बार फोन करने के बाद वो भाई मेरा 14 दिसंबर 2018 को वापिस से इलाहाबाद तक आया। उसके बाद उन्होंने लड़की ने फोन बार करने के बाद उन्होंने अपने भाई शुभम और अपने रिश्तेदारों के साथ उसको रिसीव करने के लिए इलाहाबाद भेजी। उन लोग ने 15 दिसंबर को लेके आया। 16 दिसंबर को उन लोग ने मेरे भाई की हत्या करके ले जाके गजेड़ा जंगल में फेंक दिया, जो कि 17 दिसंबर को हम लोग को पुलिस द्वारा सूचना मिली, जो कि आज तक पुलिस ने उन लोग को गिरफ्तार तो किया पहले, उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं, उन लोग को छोड़ दिया गया है। मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई की जो हत्या हुई उसके लिए इंसाफ चाहिए और उसको जो ने किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए केशव पांडे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की।